हेलो गाइस, मैं संजय चौहान नवादा जिला से। मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल कृषि भाई पर, जो कि वीडियो आज मैं बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको पूरा बगीचे का भ्रमण कराने वाला हूं। आप बगीचे के अंदर हमने क्या क्या सेटिंग करके रखा है वो आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। ये मेरा छोटा सा लैब है जहाँ पर मैं पेड़ पौधों का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद से मैं वीडियो बनाता हूँ। और हमने 2 बीघा 5 कट्ठे में जो ड्रिप सिस्टम लगा के रखा है पेड़ों पौधों को सिंचाई के लिए और खाद डालने के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो आपको बहुत मज़ेदार होने वाला है। जो भी किसान इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार तो उनके दिमाग में ज़रूर आएगा कि हाँ, ये चीज़ तो अच्छा है। क्योंकि जितना भी लोगों का कहना है कि कुछ इंश्योरेंस करा लो और बेटियों के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, तो हमने जब भी मेरा 4 लड़की है मेरा, जब भी मेरा कोई लड़की हुआ तो हमने एक बगीचे का निर्माण किया है। और उस बगीचे में हमने एक प्लान के तहत काम किया है। आप एक इंश्योरेंस कराने से अच्छा है कि आप इकट्ठा में आप सागवान या महोगनी का पौधा रोपाई कर दें, आपकी लड़की तैयार होते होते, शादी के लायक होते होते आपका पौधा तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम एक पौधा से आपको करीबन 40,000 का इनकम जरूर होगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता हो कि वीडियो आपको लाइक ना हो, लेकिन जो किसान के लाइक हो उनके पास आप वीडियो भेज कर उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। ये देखिए, जो हमने नर्सरी के अंदर में आपको वीडियो दिखाया उसका बाहर का ये सीन है। देखिए, इसमें हमने चारों साइड से सागवान का बाउंड्री दे दिया है। उसके बाद से ये मेरा 2.5 साल का सागवान ये है आगे में, इसमें ये जो बरसात आएगा उसमें ये 3 साल हो जाएगा। इसको हमने डेमो के रूप में लगाया है। 3 साल में इसका अच्छा ग्रोथ, करीबन 30-35 फीट का हाइट लिया है। ये 8 फीट के दूरी पर है मेरा। चलिए, मैं नेक्स्ट वाले बगीचे में ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, मेरा ये 6 साल का सागवान है, इसका हाइट करीबन 40 फीट प्लस है। आप वीडियो पर बने रहें, मैं इसका पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि कब कब हमने खाद डाला है, कब कब हमने इसमें छटाई की है, और बहुत सारा मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अभी देखिए, मैं लौकी के जनरेशन पर भी वीडियो बनाऊँगा। इसका वीडियो हमने नहीं बनाया है। इस पर 1G 2G 3G किस तरह किया जाता है उसका भी वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वाला बगीचे में चलता हूँ। ये मैं आज आपको ओनली सिर्फ बगीचा घुमा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से दिखाऊँगा बताऊँगा नहीं। ओनली खाली बगीचा मैं अपना आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने खुद से एक एक पेड़ को खुद से रोपा है, रोपाई करके इसको इतना बड़ा तक किया है। चलिए, नेक्स्ट वाले बगीचे में जा रहे हैं अब। ये सागवान मेरा 5 साल का है, इसका हाइट भी करीबन 35 से 40 फीट है। मैं साल में 2 बार इसमें खाद डालता हूँ। आप लेकिन सागवान की रोपाई करें ना तो करीबन दूरी 8 फीट रखें, इससे आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ में आएगा। हमने शुरू में जानकारी नहीं रहने के कारण हमने 6-6 फीट पर डाला, कोई कोई पौधा 5-5 फीट पर डाल दिया, उसमें कोई कोई ग्रोथ किया
और जो नहीं निकल सका वो छोटा ही रह गया। इसमें से करीबन 110 पौधा में से करीबन मेरा 20-25 पौधा ऐसा है जो कि ग्रोथ नहीं कर पाया, इसलिए के मैं तो कहूँगा कि करीबन 8 फीट की दूरी पर आप सागवान की रोपाई करें और मोहगनी का पौधा 6 फीट पर रोपाई करें। चलिए अब मैं नेक्स्ट वाले बगीचे में चलता हूँ। ये सागवान देखिए 1.5 साल का है, ये जो बरसात आएगा उसमें इसका 2 साल हो जाएगा। इसका हाइट करीबन 15 फीट 16 फीट है। मैं सागवान में भी 1G 2G 3G का प्रोसेस का वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको ओनली सिर्फ मैं आज आपका बगीचा अपना सिर्फ दिखा रहा हूं कि हमने जो जो पौधा, ये सारे पौधे हमने खुद से लगाए हैं, खुद से देख रेख कर कर सबको बड़ा किया है। इसलिए जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोई भी वीडियो फेक नहीं रहेगा, रियल रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि हाँ मेरा वीडियो इतना सारा लोग देख रहे हैं। हमने आम में भी 3G किया है जिससे छोटा सा पौधा भी घना हो गया है। मैं एक एक पौधे पर आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, कटहल हो गया, सब पर एक एक कर कर मैं वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए मेरा ये नींबू का पौधा पर करीबन इसका 3-4 साल हो गया था, फल और फूल कुछ भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने अपना देसी फर्टिलाइज़र इसको तैयार कर कर इसका जड़ तर डाला, उसके बाद से फूल तो माने कि गुच्छा की तरह लग गया है, चारों साइड फूल ही फूल। देसी फर्टिलाइज़र में गोबर, गाय का गोबर लिया था और गौमूत्र लिया था और मिट्टी और पीपल का जड़ तर का मिट्टी लिया था और हमने थोड़ा सा बेसन लिया था और उसको हमने सबको एक में मिलाकर करीबन 3 से 4 दिन तक छोड़ दिया। उसके बाद हर 100 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हमने हर एक पेड़ पर डाला जिससे बहुत ज़बरदस्त नींबू में रिजल्ट देखने को मिला है, बहुत ज़बरदस्त फूलन आया है सभी में, सभी नींबू के पौधे में। अब मैं थोड़ा सा इस भेंचरी मशीन को भी दिखा दूं जिससे मैं सिंचाई करता हूं। 2 से 3 बीघा का प्लॉट है, पटाने के लिए, सिंचाई के लिए, खाद डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इस भेंचरी मशीन में खाद डालना है और वेंचरी मशीन में डालने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे। ये प्रेशर 50% पर या 75% पर हम कर कर छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद इधर से पानी जाएगा और उस पाइप से होकर इस पाइप में के सहारे इसमें जाएगा और इससे ज़मीन के अंदर पाइप बिछा हुआ है, वो हमने फर्स्ट जहां लौकी का आपको दिखाया था पौधा वहीं से मोटर, वहीं पर मोटर है और वहीं से पाइप हमने अंदर अंदर चारों साइड बिछा दिया है और उसके नीचे नीचे पाइप चारों साइड। ये देखिए ये सब ड्रिपर का पाइप है, हम इसमें पाइप कनेक्ट करके सबका जड़तर सेट कर देते हैं, सबका जड़तर सिंचाई हो जाता है। मैं पहला वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि हमने सागवान को साइड साइड रोपाई की है सिर्फ बाउंड्री के तौर पर कि ताकि हम सागवान का सागवान भी मेरा हो जाए और बाउंड्री का बाउंड्री भी हो जाए,
हमने इसके अंदर प्लानिंग किया है देसी मुर्गी पालन और बकत पालन के लिए और बकरी पालन के लिए, क्योंकि मेरा सामने जो है आगे में एक बहुत बड़ा पोखर है, इसके लेके हमने बकत पालन का प्लानिंग इसमें किया है। और देखिए ये तो हमने तार मार के रखा है घेराबंदी के लिए, ओनली जानवर के लिए, लेकिन मैं इसको हटा दूंगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बकरी उकड़ी सब घुस जाती है। ये हमारे बगीचे का एक अनोखा अमरूद का पौधा है, इसको अमेरिकन अमरूद बोलते हैं, इसका फल फूल पत्ता सब लाल होता है। ये अमरूद का मेरे पास 25 वैरायटी है, 36 पौधा है इसमें, सब अलग अलग वैरायटी का अमरूद का पौधा है। इसमें मैं कलमी वलमी बनाता हूँ, ये सब मेरे ग्राफ्टेड आम के पौधा हैं, सब ग्राफ्टिंग है आम का पौधा। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ आम का ग्राफ्टिंग के ऊपर। देखिए जितना भी पौधा है सब ग्राफ्टेड है, मैं इस सब का प्लास्टिक काट कर हटा दूंगा और इस सब को प्लास्टिक में कर दूंगा, ताकि ये किसान जाकर अपना जगह पर लगा सके। देखिए ड्रिपर सभी जड़ तर सेट किया हुआ है, पाइप के सारे साइड साइड नीचे नीचे पाइप लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर से बूंद बूंद सिंचाई होगा, सिंचाई होने के बाद खाद भी डालना हो तो इसी तरह। कटहर का पौधा है, कटहर में भी फल आना चालू हो गया। ये देखिए ये सब ग्राफ्टेड आम का पौधा है, ये हमने करीबन 30 आम के पौधे लगाए हैं, जो कि अलग अलग वैरायटी के हैं, सबको मैं ग्राफ्टेड के लिए मंगाया हूँ, स्पेशलिट मालदा, अमरपाली, हिमसागर, गुलाब खास, जरदालू, बम्बैया, इसी तरह कुल मिलाकर 30 से 28 वैरायटी है। ये देखिए साइड साइड हमने ड्रिपर का पाइप निकाल के रखा है, ताकि सिंचाई करने में आसानी हो। ये सागवान हमने चारों साइड बाउंड्री के तौर पर दे रखा है। अब हम आपको दिखा दें, जब हमें गेहूं की सिंचाई करना होता है तब ये सब ड्रिपर को बंद कर देते हैं और यहाँ का बाल खोल देते हैं, इधर का सिंचाई हो गया तो फिर इधर का बंद कर देंगे, फिर इसको हम खोल देंगे, फिर इधर पानी जाने लगा, फिर इसके सहारे हमने इस तरह इसके नीचे नीचे लेकर पाइप गया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा जानकारी इसमें सटीक मिलेगा आपको। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़्यादा समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकता हूँ। और आपको पौधा बंदार पौधा लगाना है, जैसे सागवान हो गया, महोगनी हो गया, गम्हार हो गया, तो उसके पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से आप पौधा लें। और फलदार वृक्ष लगाना है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कहाँ से पौधा लेंगे, तो आपको लगाने का भी पैसा मिलेगा और इसका देखरेख के लिए भी पैसा मिलेगा, इसका घेराबंदी के लिए भी पैसा मिलेगा, वन विभाग भी पैसा देती है आपको इसको लगाने पर, पहले तो फ्री में देती थी, लेकिन अभी 10 रुपया कॉस्ट इसका, और 60 रुपया के हिसाब से रिटर्निंग भी देती है, 3 साल बाद देती है। ये देखिए एक ड्रिपर यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर सिंचाई के लिए यहाँ पर बाल खोल सकते हैं, फिर जब ये सिंचाई एक साइड का हो जाए तो फिर इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ का हम बाल खोलेंगे, देख रहे हैं, फिर यहाँ से पानी निकलना चालू होगा। ये हमने 2 बीघा 5 कट्ठे का प्लॉट है, उसमें बीच का जो मेढ़ खाली है उस पर हमने ये सागवान और महोगनी की
रुपाई की है। बस अब ज़्यादा बहुत लंबा हो गया वीडियो, 15 मिनट का, शायद आप लोग पूरा वीडियो भी ना देखेंगे, तो बस यहीं तक रहने देते हैं दोस्त। आगे वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पूरा जानकारी देंगे।